चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, निमसेट 22 टॉपर ऑल इंडिया रैंक 40 देवांशु कुमार, जो कि नालंदा बिहार से हैं। देवांशु, आपको ऑल इंडिया 40 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर। तो देवांशु के बारे में मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, बाकी तो देवांशु अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। देवांशु ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए और इन्होंने साल भर बहुत अच्छी मेहनत की। तो देवांशु, हर बच्चा जानना चाहता है कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और आपने किस ढंग से प्रिपरेशन करी और क्या क्या चीजें थी जो आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल था जिनका। सर, मैं 12th PCM से लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उस टाइम मुझे IIT में ज्यादा फर्क नहीं पता था 11th में, और मतलब ये गाइडेंस कमी थी तो मुझे पता ज्यादा चला नहीं ठीक से किया क्या होता। 12th में पता जब चला तो मतलब टाइम निकल चुका था, मतलब उतना और स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब वो ज्यादा टाइम दे सके। तो मैं 12th तो अच्छे से कर लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा मतलब ड्रॉप लेना, मेंस का एग्जाम दिया था मैंने लेकिन उसमें हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना अच्छा से तैयारी नहीं था उसका। तो मैंने सोचा कि ड्रॉप लेना, तो ड्रॉप लेने के लिए सर एक गाइडेंस और मतलब थोड़ा सा देखना था तो नहीं हो पा रहा था, उसमें बोला कि नहीं हो पाएगा। और मुझे कंप्यूटर थोड़ा अच्छा लगता था तो मैंने सोचा कि उस टाइम मेरे पास एक स्मार्टफोन आ गया था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मतलब कितना रैंक पर ये CS ब्रांच मिल सकता है NIT और IIT में। तो मुझे लगा कि जो स्थितियाँ हैं और जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर देखा कि या और क्या ऑप्शन है मैं 12th के बाद, और तो मैंने देखा कि BCA कर सकते हैं, तो BCA में कंप्यूटर होता है। तो मैंने सोचा BCA और BTech में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब कम ही है, और अगर मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत हम खुद से करेंगे तो बराबर आ सकते हैं, थोड़ा 2 साल मेहनत एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने उस टाइम, मुझे MCA के बारे में पता नहीं था कि मतलब MCA किस, मैं पता था कि MCA होता है, बस ये नहीं पता था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फिर वहाँ से BCA में तो एडमिशन ले लिया, और फर्स्ट ईयर मैं आराम से मतलब वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ख़त्म हो गया वो। सेकेंड ईयर में थोड़ा फिर मोबाइल था तो रिसर्च मतलब सर्च करना स्टार्ट किया कि किस तरह से BCA के बाद क्या कर सकते हैं आगे। तो BCA के बाद फिर MCA का पता तो चला, फिर NIMCET के बारे में पता चला सेकेंड ईयर के लास्ट मतलब मिड में, मुझे अभी पता चला कि मतलब MCA होता है और MCA हम NIT से कर सकते हैं उसमें। तो NIT का पता कि NIT तो जाना मतलब 12th के बाद भी मेरा मकसद था, लेकिन फिर और ये देखा कि MCA और CS दोनों का वैल्यू लगभग में सेम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर एक्सपोजर कुछ अच्छा मिल जाएगा मुझे। तो फिर मैंने NIMCET के बारे में पता किया, यूट्यूब पर सर्च किया कि NIMCET का कैसे कैसे होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सेल्फ प्रिपरेशन मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था 12th में भी, तो देखा था उतना सक्सेसफुल मैंने मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था। तो मुझे पता था सेल्फ प्रिपरेशन थोड़े सा मुझे गाइडेंस की जरूरत है और खुद से मुश्किल होगी मेरे लिए। तो मैंने फिर देखा सर कि कौन सा बेस्ट कोचिंग है जो आपने सर्च किया, तो आपका नाम मतलब आया, फिर इंपिटस गुरु का आया, आपसे मैंने एक क्लास सिर्फ किया था तो उसी टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे एक कनेक्शन एक ही बार में बन गया आपको, मतलब एक क्लास करने से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मतलब बहुत पॉजिटिव थे और पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने फिर आपके कोचिंग में मतलब आपका जो थोड़ा बहुत पता किया कि इंटरेस्ट ग्रुप है कहाँ पर, वेबसाइट को जाके देखा, तो फिर आपसे वहाँ नंबर आप दिए थे एक बार किसी सेशन में, आपने अपना नंबर दे दिया था तो मैंने आपका नंबर भी लिया था और गुरुकुल का मतलब ऑफिस से बात की हुई। तो उस दिन तो ठीक से बात नहीं हो पाई थी और पहला क्लास उस दिन था, तो मुझे लगा कि कैसे ये लाइव में कैसे क्लास होता है, कभी उसका एक्सपीरियंस किया नहीं था सर, तो मतलब मुझे पता नहीं था कैसे होता है, तो वही पता करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पैसा दूँ और फंस ना जाऊँ, तो ये मुझे थोड़ा सा शक था मेरे अपने ऊपर। तो मैंने फिर पता वहाँ देखा तो लगा कि मतलब देख लेते हैं, फिर मैं हमसे बात की, फिर आपसे बोले कि सर से मुझे बात करनी है, आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि आप मैथ और LR दोनों पढ़ाते, वो मुझे ज़्यादा अच्छा था, मैंने प्रतीक सर को कभी मतलब उतना नहीं देखा था उस टाइम। तो फिर बाद में जब आपसे फिर बात हुई तो मतलब आपने समझाया मुझे थोड़ा सा और आपने गाइड भी किया था, तो उस दिन मैंने वो फर्स्ट टाइम था जब आपसे बात किया था, और उस दिन मैंने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन लाइव क्लास का। उसके बाद सर बस उसके बाद तो मैंने मिड में आप शायद भूल भी गए हो कि पढ़ता बच्चा पढ़ता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बीच में कभी बात नहीं बच्चों को आपने मतलब मैंने कभी बीच में बात नहीं, क्योंकि जो क्लास होता था वो मेरे लिए एनफ होता था, मतलब उतना गाइडेंस मेरे लिए काफी था, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी कि मतलब आपसे बात करना पड़े, मुझे पर्सनली आपके क्लास में सब बता देते, तो बच्चा लोग पूछता था उससे मेरा मतलब हो जाता था, हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। और जो टेस्ट था तो पहला टेस्ट था 2020 का आपने दिया था, तो उसमें मेरा मुझे बिल्कुल याद है कि 90 नंबर मैथ में आया था
और 99 एलआर में आया था, और कंप्यूटर में 34, और इंग्लिश में यही 20 के आसपास आया था, मतलब 250 के आसपास स्कोर था पहला टेस्ट। लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उससे, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं देखा कि अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा स्टार्टिंग है ये पिछला साल का पेपर, मैंने बिना डिमोटिवेट हुए आपने जो मतलब क्लास किया था रेगुलर फॉलो करना, और रूटीन का बात रहा सर, तो रूटीन तो आप जो क्लास करवाते थे वो रूटीन अपने आप फॉलो हो जाता था उससे, और जो डीपीटी दिए उसको तो बस एक ही करना, डीपीटी सॉल्व कर देना, और ये प्रॉपर नहीं है कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा किस तरह बिता देना पढ़ के, मतलब एक था कि आपका जो मटेरियल मिल रहा है वो पूरा कर देना। बिल्कुल सही बात बोली देवांशु। देखिए मैंने कुछ बातें आपकी बहुत ध्यान से सुनी और समझी। नंबर वन कि आपको 11th में तो ये भी नहीं पता था आईटी और आईआईटी में क्या अंतर होता है, मतलब आईटीआई और आईआईटी में अंतर नहीं पता था, आपकी वहां से सक्सेस जर्नी स्टार्ट हुई। फिर क्योंकि आपने उस समय ये बात समझ ली थी कि सेल्फ स्टडी में उतना कमिटमेंट नहीं आ रहा, तो आपने सेकंड ईयर में ये एक्शन लिया, थोड़े दिन पढ़ के आपने तुरंत मेरे से कॉन्टेक्ट किया और फिर पढ़ाई की, और पहले टेस्ट में आपका इतना कम स्कोर होने के बाद भी आपकी ऑल इंडिया 40 रैंक इसलिए आई क्योंकि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहे। yes, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ पढ़ने पे डाउट आ ही नहीं सकते क्योंकि मैं हर चीज कवर करता ही चलता हूँ। yes, और वही इसलिए बच्चे कई बार इंटरेक्ट नहीं करते, बस पढ़ाई करो और जो बोला जाए उसको फॉलो करो, और आपने वो बहुत अच्छे से फॉलो किया और उसका रिजल्ट आज आपके सामने कि आपको ना तो ड्रॉप लेना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, एक सही समय पर लिए गए डिसीजन का आज आपके सामने इतना अच्छा रिजल्ट है। तो देवांशु एक बार बताओ आप अपने जूनियर्स को स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं या फाइनल में, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आपने खुद एकदम जीरो से लेके यहाँ तक आए, इनफैक्ट पहले मॉक में जो आपका स्कोर था और आज आपकी फाइनल रैंक, इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। कई बार बच्चे उसी से आ रहे मेरा तो मॉक में स्कोर नहीं आ रहा क्या होगा, आप घबराए नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ मॉक में जो स्कोर आ रहा है उसका कितना अच्छा एनालिसिस किया, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं भी एक मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसी तरह था, मैंने भी आपको कुछ बातें नहीं मानी थी स्टार्टिंग में जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, तो जो आप बोलते थे टेस्ट का एनालिसिस करो, तो एनालिसिस का मतलब समझ नहीं आता, तो मैंने देखा टेस्ट तो दिया वो जो क्वेश्चन नहीं बना वो तो मैं देखता था जरूर कि मतलब क्यों नहीं बना, ऐसा क्या था इसमें, तो वो देखा तुरंत उसका नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ रहता था, सॉल्यूशन देख लिया और मुझे देखकर मतलब समझ में आ जाता था क्वेश्चन को, अगर मैथ में अगर कोई बताता थोड़ा सा भी तो समझ में आ जाता क्या है, लेकिन उसको मैं खुद से ज्यादा ट्राई नहीं करता था दोबारा, और दिक्कत उससे वो होता कि दोबारा कभी क्वेश्चन आ जाता था टेस्ट में ही तो मुझसे वो नहीं बनता था, तो मैंने मतलब ये रियलाइज किया था, मैं 25 मॉक जो हो गया था तब मुझे ये रियलाइज हो गया था खुद से, आप तो बोलते थे लेकिन वो मैंने नहीं कंसीडर नहीं किया था उतना अच्छा से, वो बस एनालिसिस का तरीका अच्छा नहीं था उस टाइम तक, मैंने बस वो देखता था क्वेश्चन कि नहीं बना क्यों नहीं बना, तो बस देखा आंसर हो गया भाई आंसर तो पता चला अब नेक्स्ट टाइम बन जाएगा मेरे से, लेकिन फिर जब बाद में लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो मैंने फिर अच्छे से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया, 25 मॉक के बाद मैंने एनालिसिस अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे पहले का भी कुछ एलजेब्रा छूटा हुआ था तो वो कवर कर रहा था धीरे धीरे, और बीच में सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम आया था तो वो उसके कारण मेरा कंप्यूटर सेक्शन उस टाइम चालू था, सर प्रत्येक सर पढ़ा रहे थे तो कंप्यूटर मेरा काफ़ी छूट गया था वो मतलब, तो उसको मैंने देखा कि आपने प्रत्येक सर ये बोले थे लास्ट में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, तो मतलब उससे मेरा टेंशन नहीं था वो, ठीक है लास्ट में देख लेंगे उसको, और जो मतलब रेगुलर जो आपका था और जो थोड़ा बहुत सेमेस्टर का जो लास्ट सेमेस्टर का थोड़ा प्रिपरेशन थर्ड ईयर का वो भी साथ में कर रहा था। और सर ये जैसे एक बात है कि अब जो फ्रेशर लोग हैं फ्रेशर जो स्टूडेंट आएंगे नेक्स्ट ईयर उनको मुझे ये करना है कि मतलब कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने आप पर कम से कम कि हम कर लेंगे, और ये डिमोटिवेट इतना आसानी से नहीं हो सर, मैं अगर मैं मेरा कोई स्कोर कार्ड देखेगा टेस्ट का जैसे 68 मॉक दिए हैं मैंने तो मेरा स्कोर 220 से स्टार्ट हुआ 350 359, मतलब इन ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया 10 नंबर 15 नंबर कभी घट भी जाता था, लेकिन वो मतलब वो 10-20 नंबर 300 से लेकर के 400 500 600 और लास्ट में 750 या फिर 800 ही पहुंच गया, लास्ट 3 मॉक में आपने सिंपल थोड़ा मॉक दिया था तो 820 या 8 के आसपास चला गया था स्कोर, और मैंने एक फोकस किया था कि मतलब गलती जितना कम हो सके, जैसे मैंने लास्ट पेपर जो 69 जो मॉक हुआ आपका ये जो 20 को हुआ था उसमें मैंने 90% एक्यूरेसी उसमें रह गया था सर, मतलब 41 मैंने अटेम्प्ट किया था मैथ में वो 4 गलती हुआ एक तो मिस, अगर 4 गलत भी होते तो आपकी रैंक टॉप 10 में होती, वो 4 गलत से बहुत सारी चीजें बदल गई। यस सर, मिसरीडिंग का एक गलत था तो मिसरीडिंग अब क्या है उससे कुछ नहीं ज्यादा नहीं कर सकते, एक मिसरीडिंग हो गया था। कितना स्कोर था नेट स्कोर क्या था आपका कई बच्चे जानना चाहते हैं? 708 सर। 708 ओके। तो देवांशु आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अभी कि आपके टेस्ट में स्कोर कम थे 25 मतलब कितने कम थे, और यहीं पे कई लोग डिप्रेशन में आते हैं, और आपने खुद एक्सेप्ट किया कि स्टार्टिंग में एनालिसिस नहीं किया जो कि करना चाहिए था,
पर धीरे धीरे आपने जो लय पकड़ी और फिर टेस्ट में जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 200 से 750 तक पहुंचे, यही एक कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी ने आपको बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया इस रैंक। सर मेरा एक मकसद था कि आप जिसे बोर्ड पर दिखाते थे रैंक कार्ड जो 1 से 40 तक का, मैंने आप कभी मेरा नाम नहीं आया था उसमें। मेरा बस एक मकसद था कि कम से कम एक बार 40 में तो आ जाऊं। और जब मेरा 40 में एक बार आया था, 39 रैंक आया था, उस दिन आपने बोला कि स्कोर कार्ड लगाना भूल गए, मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरा एक दिन आया भी और सर लगाया नहीं, मतलब अच्छा लगता था मुझे देख के वहां पर। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर से लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर लास्ट में जब अच्छा रैंक 40 के अंदर आने लगा तो आपने बोला कि अब जरूरत नहीं है रैंक कार्ड की, तो आप लगाना छोड़ दिए। तो ऐसा कुछ वो बहुत सारी चीजों को अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पे मैं ध्यान रखता हूँ कि कब किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं है। तो चलो देवांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप ऐसी खुश रहो, आप NIT त्रिची में भी जाके ऐसी धमाल करना है और ऐसे ही एक स्टार्टिंग से अपने आप को मैनेज करना है, पॉइंटर को भी एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है, कोडिंग्स पे काफी वर्क करना है, प्रोग्रामिंग्स पे काफी वर्क करना है, और आपके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं देना। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सर एक ड्रॉपर के लिए, एक मैं तो ड्रॉप नहीं किया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप में कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, और जैसे कि दोबारा जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये तो मुझे आता ही है, करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, इससे मतलब मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उससे, मतलब वो जैसे कुछ का आंसर तो बहुत का क्वेश्चन का याद हो जाता है हम लोगों को, मतलब क्वेश्चन रिपीट करते करते आंसर तो याद हो गया और वो लॉजिक भूल जाते कि वो ऐसा करना क्यों है मुझे, मतलब क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन को, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है उनको कि चलो आता है सब, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, हर बार करना ही चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ याद किए हुए क्वेश्चन तो आएंगे भी नहीं, तो आप तो हर बार सॉल्व करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात, मैथ मास्टर सर आपका वीडियो मतलब बहुत देखा था, उससे भी बहुत हेल्प हुआ था मुझे। बहुत खुशी की बात है बेटा, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।